I think the girls with their nails done wrong. ओके तो भाई आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग वीडियो वाले इफेक्ट बनाना सीखेंगे अपने फिल्म बनाने सॉफ्टवेयर के जरिए। तो स्टार्ट करते वीडियो को यार बहुत मजेदार किस्म की। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, अपना फिल्मोरा 9 ओपन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो भी आपकी स्टॉक फुटेज है या आपकी जो भी अपनी फुटेज है उसको आप लोगों ने अपने फिल्मोरा के अंदर ले आना है। अब ये जो इफेक्ट है ये आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप म्यूजिक वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं ठीक है, तो आप लोगों का ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और उसके अलावा भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ यूज़ हो सकती है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, अपनी फुटेज को अपनी टाइमलाइन लेयर 1 के ऊपर ले आता हूँ और ठीक है, और यहाँ से हम लोग अपना ये वाला ऑप्शन सेट कर लेते हैं। उसके मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेच आउट कर लेता हूँ और यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, इफेक्ट्स में जाना है ठीक है। और इफेक्ट्स में आप लोगों ने सर्च कर लेना है वॉल, ठीक है। जैसे ही आप लोग सर्च करोगे वाल तो आपके सामने यहाँ पर दो इफेक्ट्स आ जाएंगे, एक तो है टीवी वाल और एक तो है वीडियो वाल। अब टीवी वाल किस चीज़ के में काम आता है, अगर आप कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं ठीक है, और आप लोगों ने क्योंकि अक्सर फिल्म में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर जब भी कोई फेमस सीन आता है ठीक है, तो वहाँ पर टीवी वाली जगह पर मतलब टीवी वाल लगाई जाती है, ठीक है, जिसके अंदर आपका तमाम करेक्टर्स चल रहे होते हैं। सो यस, इसी तरह से आप लोग टीवी वाल भी लगा सकते हैं और वीडियो वाल भी लगा सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पर वीडियो वाल लगाएंगे, ठीक है, आप लोग चाहो टीवी वाल भी लगा सकते हो। अब आप लोग क्या करना है, इसको पकड़ के अपनी लेयर 2 के ऊपर भी आप लोग लगा सकते हो, या आप लोग चाहो तो डायरेक्टली लेयर 1 के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब अपनी वीडियो के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हो या लेयर 2 के ऊपर भी लगा सकते हो। सो मैं इसके ऊपर डबल डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और अब मैं अपनी फुटेज को प्ले करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखो ये चीज़ कुछ ऐसे देखने को लगती है, मतलब यहाँ पर एक साथ इतनी सारी फुटेजेस प्ले हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कंट्रोल बी करता हूँ, ठीक है, कट लगाता हूँ और टीवी वाल वाली इफेक्ट जो है उसको मैं पकड़ के अपनी आगे वाली फोटो पे लगाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखो यार कितनी ज़्यादा खिचड़ी सी पकी हुई है और कितने ज़्यादा यहाँ पर करेक्टर्स हमारे बन चुके हैं। अब इसको कम या ज़्यादा करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली वीडियो इफेक्ट्स में जाना है डबल क्लिक करने के बाद, और आपका जो टीवी वाल वाला इफेक्ट है इसको आप अगर बंद करोगे तो आपके सामने इस तरह आ जाएगा, वीडियो वाल को बंद करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। सो यस, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को यही मैंने बताना था कि टीवी वाल और वीडियो वाल इफेक्ट, इस बारे में एक भाई ने कमेंट किया था कि सर जो फिल्म्स के अंदर जो वाल के ऊपर टीवी के अंदर ज़्यादा सारे हम करेक्टर्स चल रहे होते हैं एक साथ, वो हम लोगों ने किस तरह से बनाने हैं। सो यस, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं अपने फिल्म बनाने सॉफ्टवेयर के जरिए। अगर आप लोग वीडियो चाहिए उसको लाइक कर दो या नीचे कमेंट कर बताओ कैसे लगे आप लोगों को वीडियो। उसके अलावा चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से दबा दो ताकि आप लोगों को हमारे चैनल के ऊपर इसी तरह की वीडियोज देखने को मिलती रहे। वीडियो देखने के बाद बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।